बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। महकमा मौसमियात और मौसमियाती मॉडल की ताज़ा तरीन लाइव मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त कराची हैदराबाद में सूबा सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों के सामने है, लाइव आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या इन बादलों की वजह से कराची हैदराबाद में सूबा सिंध के अंदर बारिश के कोई ख़ास इम्कानात बन सकते हैं? मुकम्मल तफसीलात देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि सिंध के मौसम के हवाले से लम्हा ब लम्हा बखबर रहने के लिए हमारे चैनल वेदर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आज 23 अप्रैल बारोज़ हफ्ता के रोज़ कराची हैदराबाद में सूबा सिंध के अक्सर जनूबी और बालाई और इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल दाखिल हो चुके हैं। और नाजरीन, ये बादल आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिंध को अपनी लपेट में ले लेंगे। याद रहे नाजरीन, ये जो ताज़ा तरीन बादल सिंध में दाखिल हुए हैं ये आज भी लोकल एक्टिविटी की वजह से हैं। बाज़ इलाकों में इन बादलों की वजह से बारिश भी हो सकती है और कितनी बारिश हो सकती है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नाजरीन इन्हीं लोकल एक्टिविटी बादलों की वजह से कभी कभार हमारी सोच से भी ज़्यादा बारिश का इम्कान बन जाता है। और नाजरीन, जैसे गुज़िश्ता दिनों में लाड़काना के अंदर बारिश के साथ ज्वालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ वो भी लोकल एक्टिविटी की वजह से था, और कल हैदराबाद में सूबा सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश हुई इन्हीं लोकल एक्टिविटी बादलों की वजह से, और कुछ आज ऐसे भी असरात नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर की बारिश दे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। बाकी बारिश के हवाले से, मौसम के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वेदर इन्फो।